एलिमेंट पढ़ा था, इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन करने के लिए हम लोग देखते हैं कैसे होता है। तो मान लिया ए बाय थ्री बी इज इक्वल टू, आपको दे रखा है ए प्लस बी प्लस वन ऑन इंटीजर कर लेते हैं, ठीक है। आपको फाइंड करना है बेटा, क्या फाइंड करना है, सबसे पहले आपको बोला है कि आइडेंटिटी बताओ, उसके बाद आपको बोलता है इनवर्स निकालो। क्या निकालो बेटा? इनवर्स। तो हम इस क्वेश्चन में दो चीजों को पिक कर रहे हैं, एक आइडेंटिटी को और एक इनवर्स को, ठीक है। और जो क्वेश्चन है वो जेड पे जा रहा है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है आंसर करने का। सबसे पहले हम आइडेंटिटी को चेक करेंगे, ठीक है। आइडेंटिटी कैसे चेक होगा बेटा, वो देखिएगा। तो ए बाइनरी ई इज इक्वल टू क्या आता है बेटा, आप बोलोगे ए ई बाइनरी ए, ठीक है। ये अपने दिमाग में होना चाहिए। अब क्या होगा बेटा, इसके हिसाब से इसको चेक करने गए एज ए एल एच एस, तो हमें मिलेगा जहां जहां ए है वहां तो ए आएगा, बट बी की जगह आपका ई आ गया, ठीक है। वैसे फिर आर एच एस पे गया बेटा, ई बाइनरी ए, जहां जहां ए है उसकी जगह ई आएगा, बी की जगह ए आएगा प्लस वन। और हमें ये पता है ये दोनों ही किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। तो हम कैसे लिख सकते बेटा, ए बाइनरी ई इज इक्वल टू ए, या फिर ई बाइनरी ए इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस ई प्लस वन इज इक्वल टू ए, ए से ए कैंसिल हो गया, ई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो ई की वैल्यू आपकी माइनस वन आ गई, ठीक है। अब दूसरा इसको भी अगर आप चेक करो बेटा, तो ई प्लस ए प्लस वन इज इक्वल टू ए, ए से ए कैंसिल हो गया, ई की वैल्यू भी माइनस वन है। तो दोनों में आइडेंटिटी किसी एक से चेक कर लो, माइनस वन है। कभी कभार क्या होता है बेटा कि हमें वैसे वेरीफाई करने से पता चल जाता है। कैसे पता चलेगा, देखो जरा, आप यहां पे जाओ और e की वैल्यू पुट करने पे आपको क्या मिलना चाहिए, a ही मिलना चाहिए। यही तो होता है, क्योंकि ये पार्ट a के इक्वल है, और ये वैल्यू भी उठा के इसके अंदर अगर पुट करोगे तो भी आपको क्या मिलना चाहिए, a मिलना चाहिए। तो अगर कभी वेरीफाई करना है तो वेरीफाई आप कर सकते हो, क्या a बाइनरी e इज इक्वल टू कितना बेटा, a प्लस e प्लस 1, तो e की जगह ये वैल्यू को रिप्लेस कर दो, तो क्या आएगा, माइनस ऑफ वन प्लस वन, ये कट गया बेटा, ए मिला। यही हमने रूल भी पढ़ा था। वैसे ई बाइनरी ए पे जाओगे बेटा तो क्या होगा, वहां पे गए तो ई प्लस ए प्लस वन, ठीक है। तो यहां पे गए, ई की वैल्यू में माइनस वन रखा, प्लस वन, ये कट गया, तो ये भी ये आ गया। इसका मतलब जो आइडेंटिटी हमने निकाली वो बराबर निकाली। और एक तरीका और है, ये आइडेंटिटी जो माइनस वन है वो इंटीजर में तो लाई करेगी करेगी, तो आप बोलोगे हाँ माइनस वन जो है वो इंटीजर में लाई भी करेगी, तो ऐसे भी देख सकते हो आप, ठीक है। ये तीन प्रोसीजर है, पहले आपने क्या किया, वेरीफाई कर लिया, वेरीफाई करने पे क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। अब मुझे आइडेंटिटी मिल गई, आइडेंटिटी निकालने का यही तरीका है, ऐसे ही निकलेगी, ओके। अब बेटा जाते हैं इनवर्स पे, कहां जाते हैं, इनवर्स पे। देखो इनवर्स कैसे निकलेगा, अगर आइडेंटिटी निकल गई, अगर आइडेंटिटी वैलिड है तभी इनवर्स निकलेगा, अगर आप आइडेंटिटी नहीं निकाल पा रहे तो इनवर्स पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलिए, वो आइडेंटिटी मतलब इसके अंदर वेरीफाई किया और क्लियर हो गया कि हाँ ये इसके लिए आइडेंटिटी का काम कर रही है, उसके बाद ही हम कहां जाएंगे, इनवर्स पे जाएंगे। अगर आइडेंटिटी इन केस में नहीं निकलती है तो हम बोलेंगे इनवर्स नॉट फाउंड, ओके। चलिए अब बेटा जाते हैं, हमें चाहिए इनवर्स, क्या चाहिए बेटा, इनवर्स। चलिए इनवर्स की कंडीशन क्या थी, तो हमने बोला अभी ये याद रखना, ठीक है, ये लिखने का तरीका है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। अब देखो क्या है, जो क्वेश्चन है उस पर जाते हैं, ए प्लस बी प्लस वन, तो इसके हिसाब से चेक कर लो, ये इनवर्स यहां लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ दिखा रहा है बराबर। तो आप क्या करोगे, क्वेश्चन में ये दिया गया कि ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ, e, तो ये ए हो गया और ये बी हो गया, इनवर्स हमें सिर्फ बताने के लिए। इसके बाद हमने देखा कि ए प्लस बी प्लस वन, इसका मतलब ये पूरा पार्ट किसके इक्वल होगा, तो हम बोलेंगे ई के इक्वल होगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं, क्योंकि ये ए भी वही है, बी भी वही है, सेम चीज। आपको ये नहीं रखना है कि आप बोलो ए की जगह ए रखा और बी की जगह ए इनवर्स रखा, नहीं, ये सिर्फ बताने के लिए है कि हाँ ये ए इनवर्स है। अब क्या करोगे बेटा, आप गए ई की वैल्यू जो वहां से निकाली थी वो उठा के रख दो, फिर क्या आया, ए प्लस बी माइनस वन माइनस वन, मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू आ गया बराबर। अब सपोज करो मुझे इनवर्स निकालना है, तो इनवर्स निकालने के इसमें दो फंडे, एक तो हो गया कि आप ऐसे लिख दिए, तो आपको क्या करना है, ए को रिप्लेस कर दो ए इनवर्स से, और जो बी है उसको भी आपने ए से इनवर्स करना है, मतलब ए से रिप्लेस करना है, ये रूल है। आपने क्या किया,
ए को रिप्लेस कर दिया ए इनवर्स से, और जो यहां पे दूसरा कुछ भी लिखा होगा उसको भी सेम एज होना है, एक तो आंसर ये हो जाएगा। दूसरा और में एक आंसर और होता है बेटा, क्या किसी ने बोला मैं ए में नहीं लिखना मुझे बी में लिखना है, तो बी इनवर्स लिख लो, तो ये वाला टर्म बी में होना चाहिए, मतलब जिसका जो इनवर्स लिख रहे हो सेम एज इधर होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग टर्म आपने लिख दिए। तो आपने ये निकाला उसके बाद ए को रिप्लेस कर दिया किससे, ए इनवर्स से, तो यहां जो बी है वो भी किससे होगा, ए से होगा। अगर कोई बोले मैं बी इनवर्स निकालना चाह रहा हूं तो यहां पे बी इनवर्स आएगा तो इधर भी बी का टर्म होना चाहिए, मतलब जो इधर होगा सेम एज एलिमेंट इधर भी होने चाहिए। ओके ये तो हो गया आइडेंटिटी और इनवर्स। एक क्वेश्चन और करते हैं, ध्यान दीजिएगा इसी क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन और लिखते हैं बेटा। मान लो ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए प्लस टू बी है, ठीक है, और ऑन नेचुरल नंबर बोला गया, सब कुछ भाई निकालना है, क्या क्या निकालना है बेटा आपको, आइडेंटिटी और इनवर्स। तो आइडेंटिटी के लिए क्या कंडीशन है, तो आप बोलो ये है, ठीक है, चलिए इसके हिसाब से एलएचएस देखते हैं इसका। तो ए बाइनरी ई इज इक्वल टू ए प्लस टू ई आ गया, ठीक है, आरएचएस पे जाते हैं बेटा, ई बाइनरी ए इज इक्वल टू क्या आएगा, ई प्लस टू ए, सही है ना। अब ये दोनों ही किसके इक्वल होते हैं बेटा, ए के इक्वल होते हैं, तो ए प्लस टू ई इज इक्वल टू कितना हो गया, ए ए से ए कट गया, टू ई इज इक्वल टू जीरो, तो ई की वैल्यू जीरो आ गई। वैसे यहां पे गए e प्लस टू ए इज इक्वल टू कितना बेटा, a, सही। इसके हिसाब से अगर हम देखने जाए तो देखो क्या आएगा, a माइनस टू ए, सही, और कुछ है नहीं क्योंकि हमने क्या किया, टू ए लिया, अब यहां पे देखो क्या है, e की वैल्यू आपकी माइनस से आ गई। अब देखो यहाँ पे दो अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, हमने मान लिया कि आइडेंटिटी जो है वो जीरो है, तो जीरो यहाँ पुट करने पर देखा, जीरो पुट किया, मान लो चलो आइडेंटिटी तो कोई नंबर होनी चाहिए, ये तो वैलिड हो गया नहीं, अब यहां पे जाते हैं इसको रखते हैं, तो ए बाइनरी ई इज इक्वल टू ए प्लस टू ई है, ई की वैल्यू जीरो रखो तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे ए आया, ठीक है, चलिए ये तो वैलिड है। अब इसी तरह दूसरे साइड में जाके देखते हैं बेटा, ई प्लस टू ए इज इक्वल टू बी, ए आना चाहिए, तो ई की वैल्यू अगर हम जीरो रखेंगे बेटा तो क्या आ रहा है, e की वैल्यू अगर हम जीरो रखेंगे तो अपने को 2a मिल रहा है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं मतलब ये आइडेंटिटी नहीं होगा। और दूसरा एक और है कि जीरो कभी भी नेचुरल नंबर में आएगा क्या, तो आप बोलोगे नहीं, तो भी ये आइडेंटिटी फॉलो नहीं कर रहा। अगर ये आइडेंटिटी नहीं निकली तो क्या इसका इनवर्स निकलेगा, नहीं निकलेगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। एक चीज और देखो बेटा, इसी में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, चलो लास्ट क्वेश्चन है ये, ए बाइनरी बी इज इक्वल टू ए बी बाई फोर है, ठीक है, नंबर मान लेते हैं नेचुरल लिया, ऑन नेचुरल, क्योंकि देखो नंबर अगर ले लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, मैं तो अपने मन से ले रहा हूँ क्वेश्चन, अगर मान लो बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ तो हम नहीं निकाल पाएंगे, तो मैं नंबर को हटा के देता हूँ, या चलो रखते हैं नेचुरल बाद में देख लेंगे, ठीक है, क्या करना है बेटा, सेम चीज है, आपको निकालना है आइडेंटिटी और आपको निकालना है इनवर्स, ठीक है, चलिए ये हो गया आपका आइडेंटिटी। इसके हिसाब से अगर आप यहां पे जाओ तो क्या होगा, ए ई बाई फोर, इतना आप करके समझ गए होगे, तो आर एच एस ई बाइनरी ए, तो क्या आएगा बेटा, इसके हिसाब से क्या होगा, ई ए अपॉन फोर, सही लिखा मैंने, अब हमने जो रूल पढ़ा बेटा उसके हिसाब से क्या होगा, ए बाइनरी ई जो होगा वो किसके इक्वल होता है, तो आप बोलोगे ए के इक्वल होता है, तो ए ई बाई फोर इज इक्वल टू ए, ए से ए हो गया, ई की वैल्यू फोर आ गई, ठीक है, वैसे आप चाहो तो इसको भी चेक कर लो बेटा, तो ई बाइनरी ए इज इक्वल टू क्या होगा, ए होगा, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई, ए ई बाई फोर, यहां से भी ए से ए उड़ा दिया तो ई की वैल्यू भी फोर आ गई, ठीक, वेरीफाई करना है पुट करके देख लो, ये वैल्यू यहाँ डालो 4 से 4 कट जाएगा e आ गया, ये वैल्यू यहाँ डालो 4 से 4 कट गया a आ गया, इसका मतलब वैलिड है, और 4 जो है वो बिलोंग करेगा किसमें, नेचुरल नंबर में, तो इसका मतलब कि हमारी आइडेंटिटी जो निकली है वो बराबर निकली है। अब क्या करोगे, आई होप कि वेरीफाई करना समझे हो,
कि वेरीफाई हमें कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगर वेरीफाई समझ गया तो आप क्या निकालना बेटा, अब निकालना हमें इनवर्स। तो इनवर्स निकालने के लिए अपने क्या करना है ये याद रखना है, ठीक है। ये e के इक्वल होगा a इनवर्स ये b, ये हमारे पास मैंने आपको बोला इससे हमें कोई लेना देना नहीं, हम क्वेश्चन पे जाएंगे। हमारे पास क्या a बाइनरी b इज इक्वल टू ए बी बाई फोर है, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या बेटा, इसको इक्वेट करना है e से, तो ए बी बाई फोर इज इक्वल टू e। e की वैल्यू कितनी निकाली पीछे, तो आप बोलोगे 4 निकालिए, 4 को उधर लेके गए कितना हो गया बेटा 16 हो गया, बराबर है। अब क्या करोगे, a को लिखना है तो 16 by b लिख सकते हो, एक तो ये हो सकता है, या फिर कोई बोले एक ऐसे भी तो लिख सकते हैं b is equal to 16 by a, ठीक है। अब आपको इनवर्स लिखना है, तो इनवर्स आपको जिस टर्म में चाहिए उस टर्म में ले सकते हो। अगर कोई बोले कि नहीं मुझे तो a इनवर्स में चाहिए, तो a इनवर्स 16 और इसके नीचे भी a ही लिखना है आपको। कोई बोले नहीं मुझे तो b में चाहिए, तो b इनवर्स इज इक्वल टू 16 by b, ये दोनों ही चलेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, आइडेंटिटी और इनवर्स हो गया। ये ध्यान रखना है कि इससे अपने को कोई लेना नहीं, हम टर्म को क्या करेंगे e से इक्वेट करेंगे, e की वैल्यू वैलिड होनी चाहिए तभी आपका इनवर्स फाइंड आउट हो सकता है। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इतनी चीजें आपसे पूछी जाती हैं, अगर बाइनरी ऑपरेशन 12th लेवल तक आप कर रहे हो तो इतना ही है, ठीक है। जेई वगैरह में इसका ये पोर्शन में नहीं है, ठीक है। बाइनरी ऑपरेशन आपसे नहीं पूछा जाता, ठीक है, ओनली बोर्ड के लिए, वो भी वैरी करता रहता है। इससे पहले लास्ट ईयर से पहले ये 6 मार्क में पूछे जाते थे, अभी क्या सीन है वो आपको खुद ही पता चल जाएगा, स्कूल्स में और सब जगह से आपको बता दिया जाएगा। एक लास्ट टॉपिक है बेटा, ऑपरेशन टेबल। देखते हैं ऑपरेशन टेबल क्या होती है, ठीक है। ऑपरेशन टेबल में सिर्फ आपको ये ध्यान देना है कि ऑपरेशन टेबल जो बनती है यहाँ पे ए जो भी नंबर है, A1 दे रखा हो, A2 दे रखा हो, A3 दे रखा हो, A4 दे रखा हो, डॉट डॉट An दे रखा हो, ठीक है। फिर यहाँ पे भी A1, A2, A3, A4 डॉट डॉट An दे रखा हो, जो नंबर दिए होंगे सबसे पहले यहाँ लिखोगे और यहाँ लिखोगे, यहाँ पे बेटा आता है उसका ऑपरेशन, हमें क्या ऑपरेशन दे रखा है। फिर हम सबके साथ क्या करते हैं, अलग अलग ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन हो सकता है प्लस का दिया हो, मल्टीप्लाई का दिया हो, मिनिमम का दिया हो, मैक्सिमम का दिया हो, ये सारी चीजें आपको दे रखी होती है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखना चाह रहा हूँ कि सबसे पहले जो नंबर होता है जो दिया होगा उसको यहाँ लिखना है, फिर यहाँ लिखना है, फिर अलग अलग सबका क्या है, सबके साथ इस टर्म का ऑपरेशन करना है आपको, ठीक है। अब जो आएगा उसको डिटेल में हम लिखते जाएंगे। तो आप है क्या चीज, कैसे करते हैं वो जरा समझिए। मान लो एक एग्जाम्पल समझते हैं कि मुझे बोला गया एक ऑपरेशन टेबल बनाओ, एक ऑपरेशन टेबल बनाओ किसकी, ए और बी की, ठीक है। ये जो सिंबल है ऐसा बोल दिया गया कि ये मिनिमम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मैं ऐसे ही नंबर और वो नंबर जो मेरे पास दे रखे हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा कोई नंबर हमें दे रखा है, इसकी एक ऑपरेशन टेबल अपने को बनानी है। तो सबसे पहले हम क्या, मैंने आपको क्या बोला था कि जो नंबर दिए उनको यहाँ लिख लो पहले, ठीक है। वही नंबर आप यहाँ पे भी लिखो और इसके बीच में यहाँ पे मैंने ये जो सिंबल दिया वो लिखा, मैंने मिनिमम कर लिया, ठीक है। अब बताओ 1 का इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ करो, ठीक है। 1 और 1 की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे 1 और 1 में मिनिमम वैल्यू तो 1 ही, 1 और 2 में मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो 1, 1 में, 1 और 3 में मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, मिनिमम वैल्यू 1 और 3 को लिखा और इसमें बोला कि इसमें सबसे कम वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 1 ही। 1 और 4 की मिनिमम वैल्यू 1, 1 और 5 की मिनिमम वैल्यू 1, फिर 2 और 1 की मिनिमम वैल्यू तो 1, 2 और 2 में मिनिमम क्या होगा 2 ही होगा, 2 और 3 में मिनिमम क्या होगा 2 होगा, 2 और 4 में मिनिमम क्या होगा 2 होगा, 2 और 5 में मिनिमम क्या होगा तो बोलोगे 2 होगा, 3 और 1 में मिनिमम क्या होगा नंबर तो बोलोगे 1, 3 और 2 में 2, 3 और 3 में 3, 3 और 4 में 3, 3 और 5 में 3, बराबर। 4 और 1 में मिनिमम 1, 4 और 2 में मिनिमम 2, 4 और 3 में मिनिमम 3, 4 और 4 में मिनिमम 4, 4 और 5 में तो 4, फिर 5 और 1 में 1, 5 और 2 में 2, 5 और 3 में 3, 5 और 4 में 4, फिर 5 और 5 में मिनिमम तो 5। ये टेबल हो, ये किसके लिए हो गया बेटा, जब वो ऑपरेशन आपको क्या दिया है मिनिमम दे रखा, क्या दे रखा मिनिमम। तो ऐसे ही बनना है, इसमें कुछ ऐसा एक्स्ट्रा आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं करना है कि आप कुछ एक्स्ट्रा करने जा रहे हैं। चलो इसी में मान लो कोई टेबल हमको दे दिए
और उस टेबल में बोल दिया गया कि आप एलसीएम निकालो या एचसीएम निकालो, चलो 1 2 3 4 5, ठीक है, यहां पे लिख दिया गया एचसीएम, तो 1 2 3 4 5, एचसीएम मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, 1 और 1 का एचसीएम कितना होगा, तो आप बोलोगे 1 और 2 का एचसीएम, अगर नहीं आता तो ऐसे बचपन वाला निकाल लो, ये 1 और ये 2, ठीक है, तो 2 का 1 1, अब 1 का क्या होगा 1 into 1, 2 में क्या होगा 2 into 1, तो कॉमन क्या बेटा 1, यही हमारा क्या होगा एचसीएम होगा, ठीक है, फिर 1 और 2 में 1 और 3 में 1, 1 और 4 में 1, 1 और 5 में 1, ये दिया होगा क्वेश्चन में, फिर 2 और 1 तो हम बोलेंगे 2, 1, 2 और 2 में 2 और 2 में, फिर 2 और 3 में तो हम बोलेंगे एचसीएम चाहिए तो 1 ही आएगा, फिर 2 और 4 में 2, फिर 2 और 5 में तो 1, आयुक्ति समझ पा रहे हो, 5 का ये 1 हो गया, 2 का, अब दोनों में कॉमन तो सिर्फ एक ही है क्योंकि एचसीएम का मतलब तो यही होता है, 3 और 1 में 1, 3 और 2 में 1, 3 और 3 में 3 चलेगा, 3 और 4 में 1, 3 और 5 में 1, 4 और 1 में 1, 4 और 2 में एक बार चेक कर लेना, कोई दिक्कत हो तो सही कर लेना, 3 और 4 में 1, 4 और 4 में 4, 4 और 5 में 1, फिर 5 1 में 1, 5 2 में 1, 5 3 में 1, 5 4 में 1, 5 5 में 5, तो ये जो है आपकी क्या है बेटा, ये एचसीएम के ऑपरेशन टेबल, अगर इसी में बोल दिया किसी है कि एलसीएम बताओ तो वो एलसीएम निकाल लेना नंबर्स का, मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, तो यहां मान लो एलसीएम बोला किसी ने, तो एलसीएम नहीं निकाल पाओगे दोनों नंबर्स का, निकाल सकते हो 1 1 का एलसीएम 1, 1 2 का एलसीएम कितना होगा 2, 1 और 3 का 3, 1 और 4 का 4, और ये 5, ऐसे भर लेना, 2 और 1 में एलसीएम कितना होगा, 2 2 में कितना होगा, 2 3 में कितना होगा, 2 4 में कितना होगा, तो ये टेबल आपकी भर जाएगी। कभी कभार एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे मान लो कहीं ऐसा लिखा हो 1 बाइनरी 2 बाइनरी और 3, बोलते हैं कंप्यूट करो, तो कंप्यूट का मतलब क्या होगा बेटा, इसी टेबल में चले जाते हैं, ये नॉर्मल टेबल है, दिया होगा आपको टेबल 1 और 2, मतलब 1 का 2 के साथ देखना है, तो 1 का 2 के साथ देखा, 1 का 2 के साथ देखा और यहां पे पहुंचे, जस्ट जहां से नंबर आपने उठाया, ठीक है, तो कितना आया बेटा 1 और 2 का बाइनरी ऑपरेशन 1 है, फिर बाइनरी ऑफ 3 बाहर है, फिर कहां जाओगे आप 1 का 3 में जाओगे, तो 1 का 3 में और जस्ट उसके नीचे देखा तो कितना आ रहा है बेटा 1 आ रहा है, तो 1 और 3 का भी बाइनरी ऑपरेशन क्या है 1 आया। अब किसी ने बोला कि इसी को कंप्यूट ऐसे करो 3 बाइनरी ऑफ 2 बाइनरी ऑफ 1, तो ठीक है कहां जाएंगे बेटा 3 और 2 में, तो 3 और 2 में देखेंगे कहां यहां पे जो ये वाला पार्ट है, तो 3 और 2 का अगर कर रहे हो आप तो आपको 2 मिल रहा है, फिर क्या है बेटा 1, 2 और 1 का बाइनरी ऑपरेशन देखना है, तो 2 और 1 का बाइनरी ऑपरेशन तो वो क्या आ रहा बेटा 1 आ रहा है, तो यहां पे 1 आएगा, तो ऐसे भी आप पूछ सकते हैं, कंप्यूट करो, बाइनरी टेबल तो ऐसे ही बननी है, जो जो चीजें वो देंगे बेटा वो चीजें आपको बनानी है, ठीक है, और भी कुछ पूछ सकते हैं, क्या ये एसोसिएटिव है, क्या ये कॉम्यूटेटिव है, क्या ये आइडेंटिटी तो नहीं बनेगी, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, तो कोई भी दो नंबर आप ले लो, मान लो हमसे बोला गया कि 1 और 2 बताओ और 2 और 1 बताओ, क्या ये आपके कॉम्यूटेटिव है, तो हम जाएंगे 1 और 2 में, 1 और 2 में क्या दे रहा था बेटा 1 दे रहा था, फिर 2 और 1 में जाएंगे तो 2 और 1 में भी क्या दे रहा 1 दे रहा, इसका मतलब 1 और 2 और 2 और 1 क्या होगा कॉम्यूटेटिव होगा, फिर कोई बोले 2 और 2 में जाके देखो, चलिए 2 और 2 में जाके देखते हैं, टेबल दिया होगा आपको, ठीक है, तो 2 और 2 में भी आपको क्या देगा 2 2, तो जस्ट यहां पे जाके देखोगे तो 2 ही आएगा, इसको उल्टा करोगे तो भी क्या आएगा 2 ही आने वाला है, तो ये भी क्या होगा कॉम्यूटेटिव होगा, वैसे कोई बोले 3 और 5 2, ठीक है, फिर कोई बोले 3 5 2, बताओ ये एसोसिएटिव है क्या दोनों नंबर, चेक करेंगे पहले 3 और 5 में जाएंगे, तो 3 और 5 में क्या देगा बेटा 3, ठीक है यहां पे लिखा, फिर बाइनरी ऑफ 2, ये छोटे क्वेश्चन है, फिर 3 और 2 में जाओ, 3 और 2 में कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ये लिख दिया, अब यहां पे जाते हैं, पहले हम क्या देखेंगे बाहर वाला 5 और 2, 5 2 नीचे पहुंचे कितना आया बेटा, ये सेम इसकी जगह देखेंगे यहां से पहुंचे यहां तक, तो यहां पे आया आपका 2, फिर कहां जाओगे बेटा 3 और 2 में, तो चलो 3 और 2 में देखते हैं, 3 और 2 चटाक से यहां पहुंचे, 3 और 2 इसके सामने गए तो 2 आया, दोनों चीज सेम है तो हम बोलेंगे ये एसोसिएटिव भी है, तो इतना आपका पोर्शन है बाइनरी के लिए,
मेन जो था वो आपने पढ़ लिया है, एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव बाइनरी क्या होता, अप्लाई क्या होता, और ये भी ध्यान रखना आपको कि टेबल कैसे बननी है, और इनवर्स और आइडेंटिटी तो खासतौर से आपको ध्यान रखना है। ओके, आई होप।